नमस्ते। और आज हमारा नया टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है संस्कृत एजुकेशन का, उसमें हम अगले टॉपिक में चले गए हैं। और वो अगला टॉपिक कौन सा है? नदियों का है। नदियों में बेसिकली समझने का कुछ है नहीं, बस एक इंफॉर्मेशन है जो हर वक्त दिमाग में रहनी चाहिए। और नदियों का लंबाई, नदियों का उद्गम स्थल, नदियों का दायां भाग से आने वाला सहायक नदी, बाएं भाग से आने वाला सहायक नदी, तो बेसिकली आपको यही सब चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। नदियां बेसिकली एक आपको ऐसा है कि आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है बस, और इससे ज़्यादा नदियों में कुछ नहीं है। ठीक, तो चलो आज हम नदियों की क्लास शुरू करते हैं। और आशा करती हूँ कि पिछली सारी क्लासों को ढंग से रिवाइज़ किया होगा, और जो मैंने वादा किया है वो मैं ज़रूर से पूरा करूंगी। जैसे ही ये इंडिया जियो की सेकंड ग्रेड की एमसीक्यू की क्लास खत्म होगी, मैं आपको जल्द ही अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स के द्वारा जो इंडिया जियो का थ्योरी है वो पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड के हिसाब से ज़रूर से पूरा कराऊंगी। ठीक, तो अपन आगे चलें आज की क्लास में। तो चलो एक बार फिर हम क्या करते हैं, माँ भगवती का नाम लेते हैं और अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह सिखाया है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और आप लोगों ने देखा होगा आरएस का भी वैकेंसी नया आ गया है। जल्द फर्स्ट ग्रेड का भी आ जाएगा, सेकंड ग्रेड का भी आ जाएगा, जो आरपीएससी की तरफ से आना है। तो अब बिल्कुल भी क्या नहीं रहे हैं आप, सुस्त नहीं रहे, एकदम चुस्त मोड से सारा का सारा क्लास अच्छे से देखें और अपना बार 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 क्या करते रहें, रिविजन करते रहें। क्लियर? अब आप पहला क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना भी सीख रहे हैं हम, तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन में आपको पहले ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर नक्शे को देखना है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसी के अनुसार क्या देना है, आंसर देना है। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए दक्षिण भारत के मानचित्र में, मतलब हमें कौन से भारत का मानचित्र देखना है, दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में से कौन सी नदी, एस्चुरी, एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। देखो जो नदियां होती है ना, जैसे आपकी मंजिल है ना फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना, सेकंड ग्रेड टीचर बनना, रीट में सिलेक्शन लेना, वैसे ही नदियों का भी लक्ष्य होता है। नदियों का लक्ष्य ये होता है कि वो इतनी इतनी जबरदस्त होती है, इतनी मस्त तरीके से चलती है कि उन्हें एक दिन जाकर किस में मिलना होता है, सागर समुद्र में जाकर मिलना होता है। जिन भी नदियों का लक्ष्य है कि हमें सागर समुद्र में जाना है, तो अपने आप वो अपना रास्ता बनाती है और जाकर किस में गिर जाती है, सागर और समुद्र में। इस दौरान जब वो सागर और समुद्र में जाकर मिलती है, तो उसके पास जितना कुछ सामान होता है वो उसको बड़े प्यार से क्या कर देती है, गिफ्ट कर देती है। अगर जब नदी सागर में मिलती है और अपना सारा का सारा धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी नदियों में विभक्त होकर अपना सारा का सारा मलबा किसको देती है, सागर या समुद्र को देती है, तो वो नदियाँ डेल्टा बनाती है। क्लियर? लेकिन कुछ नदियां थोड़ी जल्दीबाजी में होती है, उनकी स्पीड अच्छी होती है और उसी स्पीड की वजह से वो क्या करती है, जैसे आप लोग करते हो ना किसी अपने घर में, फटाफट मम्मी ने कहा सामान लाओ और लाके क्या कर दिया, रख दिया। तो कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि वो जब सागर और समुद्र में मिलने जा रही होती है, वो इतनी खुश होती है कि वो जल्दी से अपना सारा का सारा सामान जो है वो किसको पकड़ा देती है, समुन्द्र को पकड़ा देती है। तनिक भी नहीं रुकती, ना छोटी छोटी नदियों में विभक्त होती है, न मलबा इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं जवार नदमुख बनाना, इस्चुरी बनाना। तो नदी सिंपल है, नदी जब समुद्र के गले लगेगी, जब समुद्र के गले लगेगी बहुत प्यार से, धीमे धीमे वो अपने द्वारा दिए हुए लाए हुए मिट्टी के गिफ्ट उसको करेगी, तब डेल्टा बनेगा। और जब नदी बहुत जल्दी बाजी में समुद्र को गले लगाएगी, तब आपका क्या बनेगा, जवार नदमुख मिलेगा। अब हम अपने नक्शे की तरफ देखते हैं। जब हम इस नक्शे को बहुत गौर से देखते हैं, जब हम नक्शे को बहुत गौर से देखते हैं, तब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक नदी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक नंबर। और ये तरफ कौन सा सागर है आपका, इस तरफ है आपका अरब सागर। कौन सा सागर है, अरब सागर। अब इस तरफ 2 नंबर लिखा हुआ है और एक और नदी है, इस तरफ कौन सी खाड़ी है, तो इस तरफ है आपके बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। आशा कर रही हूँ कि सबको है ना एकदम मेरा लिखा हुआ हैंडराइटिंग साफ दिखाई दे रहा है और क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं आगे तो नहीं आ रही हूँ। चलो
यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये 3 नंबर भी किधर को आ रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रही है, और उधर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये भी किधर जा रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। हमें ऐसी नदी ढूंढनी है जो जवार नदमुख बनाती है, तो ऐसी नदी जो होगी वो कौन सी होगी, आपके 1 नंबर नदी होगी। 1 नंबर नदी जो है वो आप पहचान गए होंगे, ये ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। और आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट सॉरी अरब सागर के पास खिलने वाली नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, जो भ्रंश घाटी में बहती है, और क्या बनाती है, जवार नर्मदमुख या इश्चुरी बनाती है। तो हमारे द्वारा सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्या होगा, सही आंसर होता होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी ने क्यों बनाया जवार नदमुख, क्यों इसने क्या बनाई, एस्चुरी बनाई, या जवार नदमुख इसने क्यों बनाया, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो देखो इस चीज को समझो कि ताप्ती नदी ने जवार नदमुख क्यों बनाया। तो देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास विंध्यन, उसके बाद कौन सा पर्वत है, विंध्यन के बाद सतपुड़ा पर्वत है, ठीक। और विंध्यन सतपुड़ा के बाद क्या शुरू हो जाते हैं, आपके पश्चिमी घाट, क्या शुरू हो जाते हैं, पश्चिमी घाट। विंध्यन और सतपुड़ा दोनों कैसे पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, पश्चिमी घाट भी क्या है आपका, भ्रंश पर्वत है। और जब भी भ्रंश पर्वत बनते हैं साथ में क्या बनती है, भ्रंश घाटी बनती है, और जो भ्रंश घाटी होती है उसकी स्लोप बहुत स्टीप होती है, और इतनी स्टीप स्लोप, इतनी तीव्र ढाल पर जब भी नदी बहना शुरू करेगी वो इतनी तेज बहेगी कि उसके द्वारा कटाव से लाई गई मिट्टी को ठहरने का टाइम नहीं मिलेगा, और उधर से जो समुन्द्र की तरफ से लहरें आती हुई होगी वो भी इतनी तेज आएगी कि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को भी ठहरने का क्या नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो ताप्ती नदी है, जो सतपुड़ा श्रेणी में, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला है, बैतूल का पठार है बेसिकली, वहां से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद अरब सागर के अंदर गिरती है, और भ्रंश घाटी में इतनी तीव्र ढाल पर बह रही है कि उसे क्या नहीं मिलता, अपना कटाव का लाया हुआ जितना भी सामान है, जितनी भी गाद मिट्टी है, उस सबको इकट्ठा करने का क्या नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, इसलिए वो क्या बनाती है, जवार नदमुख बनाती है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो समझ में आया कि ताप्ती नदी ने क्यों बनाया। तो ताप्ती नदी के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कि ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहने के कारण इतनी तेज, भ्रंश घाटी की जो ढाल है वो बहुत क्या है, तीव्र है। और तीव्र का मतलब क्या होता है, तो देखो इतनी तीखी ढाल है, और इतनी तीखी ढाल होने के कारण इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा होने के कारण ये क्या करती है, सीधा समुद्र में गिरती है, और इसके द्वारा लाए गए गाद मिट्टी को क्या नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता कि वो डेल्टा बनाए। अब दूसरा हमें क्या याद रखना है, कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई याद रखना, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर, ठीक, कितनी है, 724 किलोमीटर। और ये भी ध्यान रखना कि पूर्णा जो है, पूर्णा इसकी मुख्य सहायक नदी है, पूर्णा इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदी है। और अगर किसी को पता हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पूर्णा नदी के किनारे गुजरात का कौन सा शहर है जो स्थित है। तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से गौर से सुनो, नदियों में आपको यही करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ज्यादा समझने का इसके अंदर सीन नहीं है। तो जितना आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे उतनी ही आपको याद रहेगी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम एक बार क्लास देखते हैं तब याद रहता है, फिर थोड़ा भूल जाते हैं। तो आपको बार 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 क्लास का क्या लगाना होगा, रिविजन लगाना होगा, पहले जब चल रही है तब देखें, फिर जब रिविजन करने लगे तब 1.5 या 1.25 1.75x की स्पीड करके क्लास को देखें। एक बार रोज जैसे गाने सुनते हैं वैसे सुन लिया, या जैसे हनुमान चालीसा करते हैं वैसे देख लिया रोज रोज तेज स्पीड कर करके, तो धीरे धीरे आपको भी क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, क्लियर। तो एक बार फिर से तापी को रिवाइज करते हैं कि जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा के अंदर एक भ्रंश घाटी है, वहां बह रही है, बैतूल के पठार या बैतूल जो जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम है। चूंकि ये भ्रंश घाटी में बह रही है और उसका बहुत तीव्र ढाल है, बहुत स्टीप है स्लोप, देखो इतनी स्टीप है, तो इतनी तेज गति से बह रही है कि उसको ज्यादा कटाव का समय नहीं मिलता, और जितना भी वो कटाव करती है वो उस कटाव को रोक नहीं पाती है, और उधर से लहरें आती हैं और जल्दी से इसके कटाव को कहाँ बहा ले जाती है, समुन्द्र में बहा ले जाती है। इसलिए ये क्या बनाती है, जवार नदमुख बनाती है। फिर आपको इसका क्या याद रखना होगा, इसका हाइट याद रखना होगा 724 किलोमीटर, और इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी जो बहुत बार पूछी जाती है, जो आपको याद रखनी है, वो है पूर्णा नदी, क्लियर। चलो आगे मैं, चलो
अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है, अब नहीं पे गोला लगा दो, कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो देखो, शयोक, कोशी, झेलम, चिनाब। सबसे इजी क्वेश्चन है, कोसी जो किसकी सहायक नदी नहीं है, सिंधु की नहीं है। अब देखो, सिंधु नदी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है वो देखो। देखो, सिंधु जो नदी है आपके, सिंधु जो रिवर है, सिंधु रिवर निकलती है हमारे यहाँ तिब्बत में, एक ग्लेशियर है तिब्बत, जो जिस पर किसका अधिकार है, चीन का अधिकार है। यहाँ तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसको चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, जिसको क्या बोल सकते हो आप, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, या हम इसको क्या बोलते हैं, बोखर चू हिमनद। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, ये भी देखने को मिलता है, बोखर चू हिमनद। देखो कितने आसान शब्द है, चेमा युंग डुंग और कौन सा ग्लेशियर याद रखना है आपको, बोखर चू। यहाँ से हमारी सिंधु क्या करती है, निकलती है, और निकलने के बाद यहाँ पे ऐसे बुंजी गॉर्ज बनाती हुई ही इधर पाकिस्तान में बहती है। अब हमें सिंधु का डायरेक्शन याद रखना है, तो देखो सिंधु जो है वो आपके नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। सिंधु नदी की टोटल जो लंबाई है वो याद रखनी है, 2880 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2880 किलोमीटर। बड़े गौर से 2880 किलोमीटर को देखो, बिल्कुल भी रटने का कोशिश नहीं करो, आराम से देखो। चलती क्लास में मैं आपको बार बार पूछती रहूंगी कि 724 किलोमीटर किसका लंबाई है, 2884 टोटल किस नदी की लंबाई है, तो सिंधु की है। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि सिंधु नदी की लंबाई इंडिया में कितनी है, भारत में कितनी है? तो भारत में कितनी है, तो बहुत आसान है, 114 किलोमीटर। अब कहोगे मैम 114 कैसे याद करें, तो बहुत आसान है, 111+3 होता है, लेकिन आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में ये दमचोक जो जगह है लद्दाख में, कौन सी जगह है भारत में, लद्दाख के अंदर दमचोक, ये जो आपको दिख रहा है ना इस जगह पर, इसी को हम क्या कहते हैं, दमचोक कहते हैं। तो दमचोक से भारत में ये प्रवेश करती है, उसके बाद आगे पाकिस्तान में जाएगी, चिल्लाम नामक एक स्थान है, वहां से ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और बहुत सुंदर यहाँ पे जो पीओके है ना, वहां पे बहुत सुंदर ये क्या बनाती है, बुंजी गॉर्ज बनाती है। ठीक, अब सिंधु की सहायक नदी आपको पता है, शयोक है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं आपके, सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वो आपको याद रहेगी। एक चीज और ध्यान रखना, आजकल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिंधु नदी है वो भारत के कौन से यूटी में बह रही है, तो भारत की कौन सी यूटी में बहती है, वो लद्दाख में बहती है। और लद्दाख के भी दो डिस्ट्रिक्ट, एक है लेह और एक है कारगिल, एक लेह है और दूसरा कौन सा है, कारगिल। इन दोनों का नाम भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो एक बार सारा कुछ दिमाग में रखो, फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती रहूंगी क्लास में, वैसे वैसे आपको क्या करती जाऊंगी, पूछती जाऊंगी। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंठक के पठार से नहीं निकलती, हमें वो जो नहीं निकलती है ना उसका आंसर देना है। तो अब पढ़ो, तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और सोन। तो कौन सी नहीं निकलती, तो नर्मदा नहीं निकलती। कौन सी नहीं निकलती, नर्मदा। अब देखो, जब भी आप नदियों को पढ़ेंगे ना, तो एक प्रवाह आता है जिसे बोलते हैं अरीय प्रवाह। ठीक, अब अरीय का अगर हिंदी में मतलब और इसका शाब्दिक अर्थ में जाओगे ना, तो अरीय का मतलब होता है एक गोला जिसके आसपास से क्या निकली, वो बहुत सारी समानांतर लाइनें निकली हो। तो आप ये देखो कि जो ये अमरकंटक का पठार है, इस अमरकंटक के पठार से, इस अमरकंटक के पठार से एक तरफ निकलती है आपके गोदावरी, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसका सही आंसर होगा गोदावरी। इसका सही आंसर क्या होगा, गोदावरी। सॉरी, कई बार दिमाग कहीं और चला जाता है। तो कौन सी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो गोदावरी जो है वो अमरकंटक के पठार से क्या नहीं करती, निकलती नहीं है। अब हम क्या बात कर रहे थे कि जो अमरकंटक का पठार है ना,
उस पर वो जो है अरीय प्रवाह का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब कैसे अरीय प्रवाह का एग्जाम्पल है, तो देखो अब अरीय प्रवाह का मतलब होता है कि इस पूरे एक पठार के हर एक डायरेक्शन से क्या निकले, नदी निकले। तो इसके एक तरफ से निकलती है आपके नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी, जो अगेन किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती है। कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती है। फिर यहाँ से निकलती है आपके सोन रिवर, कौन सी रिवर निकलती है, सोन रिवर, सोन नदी भी निकलती है। फिर आपके एक यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, महानदी भी निकलती है। तो देखो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पठार से अरीय प्रवाह बनता है, तो कौन से पठार से अरीय प्रवाह बनता है, तो आपका अरीय प्रवाह बनता है अमरकंटक के पठार से। अब अमरकंटक के पठार से कौन कौन सी रिवर्स निकलती है, तो देखो आपने सबने सोनम कपूर का नाम सुना होगा ना, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, सोनम, तो स सो से हो जाएगा सोन, न से नर्मदा और म से महानदी। अब क्या अमरकंटक के पठार के अलावा भी भारत में कोई एक ऐसा पठार है जहां आपको अरीय प्रवाह का एग्जाम्पल मिलता है, और इस साल इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना कि अरीय प्रवाह अमरकंटक के पठार के अलावा, अमरकंटक पठार के अलावा आपको कौन से पठार में देखने को मिलता है भारत के, तो रांची के पठार पे देखने को मिलता है। कौन से पठार पे देखने को मिलता है, रांची के पठार पर भी आपको कौन सा प्रवाह देखने को मिलता है, अरीय प्रवाह। अब एक क्वेश्चन सुनो और सुनकर उसका आंसर सही से देना। अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भारत में अरीय प्रवाह के लिए जाने जाने वाले पठार हैं, एक ऑप्शन में दिया हुआ हो आपका दक्कन का पठार, अमरकंटक का पठार, रांची का पठार, और एक ऑप्शन में दे रखा हो अमरकंटक और रांची दोनों का पठार, तो ज्यादा सही आंसर जो होगा वो होगा अमरकंटक और रांची दोनों का पठार। या कई बार ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पठार है वो अरीय प्रवाह के लिए प्रचलित है, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ हो दक्कन का पठार, दूसरा ऑप्शन दे रखा हो छोटा नागपुर का पठार, तीसरा ऑप्शन दे रखा हो रांची का पठार, और चौथा ऑप्शन दे रखा हो इनमें से कोई नहीं, तब आपका आंसर इनमें से कोई नहीं करके आ जाना। रांची का पठार भी अरीय प्रवाह का क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर, आगे चले। चलो रुद्रप्रयाग, हाँ अब आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो देखो आपको ये बताना है कि रुद्रप्रयाग, प्रयाग का मतलब ही क्या होता है, जहां दो नदियों का क्या होता है, मिलन होता है। तो रुद्रप्रयाग को आपको बताना है कि ये कौन सी दो नदियों का संगम है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों का संगम है, तो सबको पता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां जहां मिलती है वहां पे क्या बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। अगर किसी को रुद्रप्रयाग याद नहीं होता तो देखो एक शब्द है ना अलख निरंजन, है ना, भोले बाबा के भक्त क्या कहते हैं, अलख निरंजन कहते हैं ना, तो आप इसको क्या याद रखो, अलख निरंजन। तो देखो अलकनंदा और मंदाकिनी, कौन सी, अलकनंदा और मंदाकिनी, तो बहुत सिंपल है, और आपको सीधा 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 क्या रखना है, याद रखना है। आगे चलूं मैं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, अब आपको ऐसी नदी बतानी है जो डेल्टा नहीं बनाती। तो देखो ऑप्शन को, अभी आपको पता है आंसर क्या है, गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है आपके, जवार नदमुख, क्या बनाती है, जवार नदमुख। अब मुझे बताइए आप सभी लोग कि तापी नदी का लंबाई कितना है, अगर आपने ये टाइप किया है 724 किलोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। क्या तापी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल तापती नदी जो है वो कौन सी घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो क्लियर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आगे चलूं, चलो अगला, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है। अब आपको फिर से सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में सेम चीज पूछी है कि आपको ऐसी नदी बतानी है जो फिर से किससे होकर बह रही है, भ्रंश घाटी से। तो देखो महानदी हमारी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बह रही, स्वर्ण रेखा भी नहीं बह रही और कावेरी भी नहीं बह रही,
कौन भ्रंश घाटी से होकर बह रहा है, नर्मदा जो है वो किससे होकर बह रही है, भ्रंश घाटी से। अब एक बार आप लोगों को पता होगा, हमने अभी याद किया है, ताप्ती की लंबाई आपको ध्यान रखनी है 724 किलोमीटर है, और ये भी किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। अब आपको ये याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है वो भी उसकी लंबाई कितनी है, तो बहुत आसान है, 13-12 किलोमीटर। अब कैसे याद रखोगे, तो बहुत आसान है, 11, 12, 13 होता है ना, 11, 12 और 13, आपको नर्मदा में याद रखना है 12 और 13, बस लिखना कैसे है 12 और 13, ऐसे लिख कर याद रखना है, ठीक। तो 13-12 किलोमीटर किसकी लंबाई है, नर्मदा की लंबाई है, और ये भी किस में बहती है, भ्रंश घाटी के अंदर बहती है। तो 6th नंबर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले, पर हम नर्मदा के बारे में कुछ और थोड़ा सा जो चीज़ है वो ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी भी आपके किस में जाकर मिलती है, अरब सागर के अंदर जाकर मिलती है, ठीक। दूसरी नर्मदा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये भड़ोच, गुजरात में जो जगह है ना भड़ोच, उसके पास ये क्या करती है, अरब सागर में अपना पानी डालती है, और ये भी क्या बनाती है, जवार नदमुख, ये भी एकदम ताप्ती की बहन है, और ये भी क्या बनाती है, जवार नदमुख बनाती है। दूसरा आपको नर्मदा के बारे में क्या याद रखना है, आपको नर्मदा का बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कुछ ट्रिब्यूटरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। जैसे देखो, आपको तवा याद रखना है। अब तवा नर्मदा की सहायक नदी कैसे याद नहीं हो सकती, मान लो नर्मदा एक लड़की है, वो किचन में तवे पर क्या कर रही है, काम कर रही है, उसके बाद तवे पे वो क्या सेक रही है, दूधी सेक रही है ना, लौकी को अपन दूधी भी कहते हैं, तो दूधी। फिर क्या याद रखनी है, शक्कर। तो देखो, तीन तो किचन की चीजों से याद हो जाएंगे, तो नर्मदा की सहायक नदियों में पहली तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी याद रखनी है आपको, तवा, दूधी और शक्कर। फिर आपको कौन कौन सी याद रखनी है, हिरन और बरना, कौन कौन सी याद रखनी है, हिरन और बरना, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सारी सहायक नदियां हैं आपकी नर्मदा की, तो सारी याद रह जाएगी। आगे चलूं मैं, चलूं, चलो हाँ। तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इश्चुरी नहीं बनाती, मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो ज्वार नद मुख नहीं बनाएगी, तो फिर वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी आपके डेल्टा, यानी कि आपको ऐसी नदी ढूंढनी है जो डेल्टा बनाएगी। नर्मदा आपका क्या बनाती है, जवार नदमुख बनाती है, ताप्ती आपका क्या बनाती है, जवार नदमुख बनाती है। अब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा मांडवी और महानदी के बीच में, किसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मांडवी और महानदी के बीच में। देखो, मांडवी गोवा का नदी है, बहुत छोटा सा है, ये भी क्या नहीं बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। अब डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो डेल्टा बनाने वाली नदी है आपके महानदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, महानदी होगा। अब हमें महानदी के बारे में भी कुछ कुछ चीजें क्या रखनी है, आपको याद रखनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना होगा आपको इसका लंबाई, इसका लंबाई है 851 किलोमीटर। अब हम एक बार रुकते हैं, एक बार आप सभी लोग किसका टाइप करोगे, ताप्ती का लंबाई टाइप करोगे किलोमीटर के अंदर, और अगर आपने किलोमीटर के अंदर उसका लंबाई 724 किलोमीटर टाइप किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप किसका टाइप करोगे, नर्मदा का लंबाई टाइप करोगे किलोमीटर में, अगर आपने 13-12 किलोमीटर टाइप किया है तो बिल्कुल सही टाइप किया है। अब आपको किसका याद रखना है, महानदी का। तो देखो, महानदी का लंबाई याद रखना बहुत सिंपल है, 51 रुपए से याद रखना, 51 है पीछे और आगे क्या बना देना, 8 बना देना, 851 किलोमीटर किसकी लंबाई है, आपके महानदी की लंबाई है। और क्या महानदी के बारे में याद रखना है, तो महानदी जाकर कहाँ गिरती है ये याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई महानदी का जन्म कहाँ होता है, तो बहुत सिंपल है, महानदी का जन्म आप कराना एक जगह है सिंघावा, और ये सिंघावा जगह कहाँ है, रायपुर में, और रायपुर कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में। तो बेसिकली जो हमारी महानदी है ना, उसका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा नामक एक जगह है,
वहां से निकलती है। तो बहुत आसान से याद रखना कि महानदी, अब महान कौन होता है, सिंह या शेर महान होता है, तो सिंघावा नामक जगह से इसे निकालो जो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। जाकर गिरना कहाँ है इसको, बंगाल की खाड़ी में बनाएगी क्या डेल्टा, मतलब समुन्द्र भैया को बहुत प्यार से गले लगाएगी, सारा का सारा उपहार जो कटाव मिट्टी का है, गाद है, वो सब कुछ प्यार से उसे क्या करेगी, गिफ्ट करेगी। ठीक, अब हमें इसकी क्या याद रखनी है, अब हमें इसकी याद रखनी है सहायक नदियाँ। देखो इसकी सहायक नदियाँ बहुत आसान है, एक है हंसदो। अब कई बार आप हंसते हो ना, तो हंसदो, ठीक, तो चलो हंस दो एक बार, पूरा का पूरा दांत निकाल के हंस दो। और जब भी आप हंस दो ना, तो दिमाग में ऐसे आपके क्लिक होना चाहिए कि अच्छा हम हंस दिए हैं, यानी कि हम महानदी की क्या हो गए हैं, सहायक नदी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जोंक। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जोंक। होते हैं ना कुछ दोस्त ऐसे या कुछ लोग ऐसे जो जोंक की तरह आपका खून पीते हैं, तो जब भी कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपका खून पीने के उतारू हो जाए, तो उसे बोल देना यार तुम तो महानदी की सहायक नदी बन गए हो, बिल्कुल जोंक जैसे हो गए हो। ठीक, फिर क्या याद रखना, तेल। तेल, तेल तो बहुत सिंपल शब्द है, तेल जितनी बार शरीर पे या बालों पे तेल लगाओ तो याद रखना तेल लगा रहे हैं, अच्छा महानदी की सहायक नदी। तो देखो तीन तो बहुत बहुत आसान है, आम जिंदगी से याद हो जाएगी, एक हंस दो, देन आपका जोंक, देन आपका तेल। अब एक और है जो याद रखनी है, वो कौन सी याद रखनी है, शिवनाथ। कौन सी याद रखनी है, शिवनाथ भी कई बार क्या की जाती है, पेपर में पूछी जाती है। तो महानदी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो याद रखोगे। आगे चलूं, चलो हाँ, निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है। देखो आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगी कि आपको ये पता चले कि कौन सा मैकाल श्रेणी के अंदर स्थित नहीं है। अब मैकाल श्रेणी हम पिछली पूरी की पूरी क्लासेस में देखे थे कि कौन सी श्रेणी जो है वो आपके मैकाल में नहीं आती। तो देखो हाँ, नर्मदा अभी हम देखे थे, सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में है। सोन जो है वो अमरकंटक का पठार मैकाल के ठीक आगे ही है। महानदी अमरकंटक का पठार मैकाल के ठीक आगे ही है। नर्मदा मैकाल के ठीक आगे जो आपका अमरकंटक का पठार है वहां पे है। तो यानी कि मैकाल श्रेणी के आसपास से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और महानदी भी निकलती है। लेकिन कौन सी ऐसी श्रेणी है जो आपकी मैकाल श्रेणी से नहीं निकल रही है, तो तापी जो है वो कौन सी श्रेणी से निकलती है पता है आपको, सतपुड़ा श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से। और एमपी में एक जगह है बैतूल, जहाँ पे बैतूल का पठार भी है, वहीं बैतूल से ये क्या करती है, निकलती है। और फिर से बता रही हूँ, तापी की जो लंबाई है वो कितनी है, 724 किलोमीटर है। और इसकी मुख्य सहायक नदी जो बहुत ज्यादा इस साल पूछ सकते हैं वो कौन है, पूर्णा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ महानदी का लंबाई कितना है, तो बहुत आसान है, महानदी का लंबाई कितना है, 851 किलोमीटर। नर्मदा का लंबाई कितना है, 13-12 किलोमीटर, या आप पीछे से बोल सकते हो 12-13, है ना, लेकिन आगे से बोलना पीछे से, लेकिन याद आगे से रखना 13-12 किलोमीटर। क्लियर। अब मैं इनकी लंबाई क्यों याद करवा रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कई बार इनकी लंबाइयों का क्रम फिक्स करवाता है, और मैं भी आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि दक्षिण भारत की लंबाई, नदियों की लंबाइयों का क्रम बहुत बार क्या किया गया है, पूछा गया है। आगे चलें अपन, चलो, निम्नांकित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो देखो अब कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो देखो बेतवा, चंबल और केन, तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। अब राम गंगा में तो शब्द ही क्या जुड़ा हुआ है, गंगा जुड़ा हुआ है, तो राम गंगा तो किसकी सहायक नदी होगी, आपके गंगा की सहायक नदी होगी। ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। जब गंगा की सहायक नदी है तो यमुना की नहीं हो सकती, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, राम गंगा होगा। आगे चले, चलो, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है। अब एक शब्द लिखा हुआ है क्रेटर, और उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है झील। देखो जब भी है ना बारिश, जब भी एक स्थान पर, जो स्थान आसपास की जगह से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए और पानी स्थिर हो जाए, तो बनती है झील। फिर से सुन लेना, जब कोई स्थान आसपास से क्या हो, थोड़ा ऊपर हो, आसपास से क्या हो, थोड़ा ऊपर हो, ऐसा टेरेन, ऐसा धरातल जो आसपास से क्या हो, ऊंचाई पर स्थित हो और जिसके अंदर बारिश का पानी क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए।
तब क्या बनेगा आपका? झील। और झील के अंदर पानी हमेशा क्या रहता है? स्टेगनेंट, स्थिर रहता है। या जब कोई नदी ऐसे बलखा के चल रही हो, ठीक, ऐसे नदी बलखा के चल रही हो और नदी अपने किसी एक विसर्प के सहारे सारे मिट्टी को बिछा दे और अपना रास्ता बना दे, और ये पानी वहां क्या हो जाए, नदी का हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, तो उससे भी क्या बनती है? झील। अब मान लो ये एक ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी के अंदर गुस्सा है। क्या है इस ज्वालामुखी के अंदर? गुस्सा। तो देखो ज्वालामुखी के अंदर गुस्सा भर देते हैं खूब सारा। तो हमने ज्वालामुखी के अंदर खूब सारा गुस्सा भर दिया। ये देखो हम खूब सारा गुस्सा ज्वालामुखी में भरते हैं। अब ज्वालामुखी के अंदर खूब सारा गुस्सा है, गुस्सा इन द सेंस कि उसके अंदर खूब सारा मैग्मा का चैम्बर है। अब इस मैग्मा के चैम्बर को इतना गुस्सा आया कि ये फट पड़ा। जैसे ही ये फटा, ये मैग्मा का चैम्बर फटा, मैग्मा का चैम्बर क्या हुआ आपके? फटा। फटना और इतना भयंकर रूप से फटा कि आपका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये सारा का सारा उड़ गया, टूट गया। तो आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिली। अब इसी को बोलते हैं क्रेटर। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेटर। अब इस क्रेटर के अंदर जब आपके बारिश का पानी क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाएंगे, तो फिर से क्या बनेगी? झील। तो ऐसी झीलों को क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहेंगे। मतलब जिसको बहुत तेज गुस्सा है, ऐसे पर्वत, ऐसे ज्वालामुखी पर्वत जिनका मैग्मा का चैम्बर अंदर से उबल रहा हो और उसको लगे कि अब कभी ना कभी तो हम क्या करेंगे, फूटेंगे। और जब वो इस प्रकार से फूटे कि ऊपर वाला गर्दन पूरा ही पर्वत का क्या हो जाए, उड़ जाए, तो नीचे बचेगा क्रेटर। और उस क्रेटर के अंदर जब बारिश का पानी इकट्ठा होगा, तब आपके क्या बन जाएगी? झील। झील बनने के हजार तरीके होते हैं, कुछ मैंने सिंपली फॉर्म में आपको कहाँ समझा दिए हैं, बोर्ड पे समझा दिए हैं। अब ऐसी ही एक क्रेटर झील आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो ऐसी एक क्रेटर झील कौन सी झील है आपके? लोनार झील है, जो आपके कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? आगे चलूं? चलो अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है। अब देखो अमरकंटक से आपको सोनम कपूर याद आनी चाहिए, ठीक है? तो हम देख लेते हैं इन तीनों में से कौन सा नाम है। तो कृष्णा नहीं निकलती, पेरियार भी नहीं निकलती, चंबल भी नहीं निकलती। कौन सी निकलती है? सोन नदी निकलती है। सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे तो याद होगा। तो चलो एक और बात बताओ कि अरीय प्रवाह का अमरकंटक के पठार के अलावा कौन सा पठार है जो एग्जाम्पल है? अगर आपका आंसर रांची का पठार है तो बिल्कुल क्या है, वो सही है। चलो अगला देखते हैं। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के बारे में तो सबको पता है, फटाफट आंसर टाइप होने लग गए होंगे। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है शिप्रा? तो शिप्रा जो है वो चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। और कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है। और शायद जहाँ तक मैं सही हूँ, जो उज्जैन नगर है एमपी का, जहाँ महाकाल रहते हैं, वो कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के तट पर है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। हाँ अब देखो खतरनाक भयंकर वाला क्वेश्चन, जहाँ हमें बड़े आराम आराम से क्या करना है, एकदम धीमे धीमे पढ़ना है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी। इरावदी नदी जो है म्यांमार की तरफ, और मेकोंग, ये भी म्यांमार की तरफ। नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वतों से होकर प्रभावित हो प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है ना? कौन यू टर्न लेता है? ब्रह्मपुत्र एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये आपका हिमालय है। अब हिमालय के इस और यहाँ पे कौन है? ऊपर की तरफ तिब्बत है। अब तिब्बत के ग्लेशियर से निकलता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, इरावदी और मेकोंग। अब इरावदी यहाँ म्यांमार में बहेगी, मेकोंग भी यहाँ कहाँ बहेगी? म्यांमार में। लेकिन ब्रह्मपुत्र ऐसे आके यूं यू टर्न लेके फिर बांग्लादेश में जाती है। ये जो इसने यू टर्न लिया है, ऐसे घूमा है, यू नामक क्या लिया है?
टर्न लिया है, ये क्यों लिया है? तो बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हिमालय का खुद का क्या है, यू टर्न लिया हुआ है। यहाँ पे जो हिमालय है ना, उसके पास यहाँ पे सिंटेक्सियल बेंड है, अक्ष संघीय मोड़ है। उसी अक्ष संघीय मोड़ के कारण ब्रह्मपुत्र रिवर को भी कैसे बेंड होना पड़ता है, यू टर्न में बेंड होना पड़ता है। तो देखो, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और अच्छे से मैं कब समझाऊंगी, जब मैं आपको अगले ही हफ्ते से क्या कराना शुरू करूंगी, जी इंडियन जियो का थ्योरी वाला क्लासेस कराना शुरू करूंगी। तो चलो, सबके चेहरों पे एक अच्छी अच्छी मुस्कुराहट आ गई होगी, लेकिन ये भी देखना जरूरी है। और जो इंडियन जियो की क्लासेस होगी ना, वो सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए होगी, जो अभी आगामी आरएस 2024 का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी इंडियन जियो लगता है, और वो लोग भी उसे क्या कर सकते हैं, आराम से देख रख सकते हैं, चाहे वो आरएस प्री का एग्जाम दे, चाहे वो आरएस मेंस का एग्जाम दे। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलो, हिमालय में अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। अब देखो, बेसिकली सबको पता है कि अपवाह का मतलब क्या होता है। देखो, अपवाह का मतलब होता है जल का बहना, लेकिन जल तो हर जगह बहता है, फिर ये जल का बहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी जल बहेगा, किसके अनुसार बहेगा? धरातल की ढाल के अनुसार, धरातल की ढाल के अनुसार, तभी क्या बनेगा आपका? अपवाह बनेगा। वरना आप पानी को कैसे ही बहा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत सिंपल है, मान लो कि ये एक ढाल है, ये धरातल की ढाल है, ये धरातल है, और ये इस तरफ धरातल की क्या है, ढाल है। क्या है? ढाल है। अब अगर इस ढाल के, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे पानी क्या हुआ है, इकट्ठा हुआ है। अब इस ढाल के सहारे सहारे जब पानी बहना शुरू करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अपवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवाह। अब ये तो मैंने एक धारा बहाई, जब ऐसी अनेकों धाराएं, जब ऐसी अनेकों धाराएं इसी ढाल के अनुरूप आगे क्या करती रहेगी, बढ़ती जाएगी, तो ये अपवाह का क्या बन जाएगा, तंत्र बन जाएगा। अब अपवाह तंत्र भारत में कितने प्रकार के हैं? बेसिकली भारत के अंदर दो प्रकार के अपवाह तंत्र है, एक है आपका हिमालय का अपवाह तंत्र और एक है आपका प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि हिमालय अपवाह तंत्र में कौन नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है? तो देखो, हिमालय अपवाह तंत्र में वो सारी नदियां शामिल होगी जो हिमालय के रीजन से निकलती है, हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है, वो शामिल नहीं होगी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। अब देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है, सिंधु हिमालय से निकलती है, लेकिन महानदी तो नहीं निकलती, इसलिए ये हिमालय प्राय हिमालय तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये कौन सा तंत्र का हिस्सा है? तो बेसिकली ये कौन सा तंत्र का हिस्सा है? बेसिकली ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और अभी हमने देखा था कि कौन सी जगह से निकलती है, सिंहावा एक जगह है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, वहां से महानदी निकलती है। और महानदी की लंबाई कितनी है, वही फटाफट टाइप करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी आपकी डंडे वाली मैडम हूँ, है ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, कठोर हूँ थोड़ी, है ना। तो 851 किलोमीटर है। और महानदी की आपको क्या क्या याद रखनी है, सारी की सारी सहायक नदियाँ जो मैंने पिछले पिछले अभी पिछले क्वेश्चन में बताई, तो अब आपको क्या करनी होगी, टाइप करनी होगी। आगे चलें, देखो जो जो लोग टाइप करते हैं ना, उन्हें पता है कि उन्हें बार बार फिर चीज़ क्या रहती है, याद रहती है। टाइप करने से कोई कुछ ऐसा नहीं है कि टाइप करने से नहीं करने से भी नहीं कुछ होगा, लेकिन टाइप करने से बहुत कुछ होगा। टाइप करने से क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा, और जैसे जैसे अंगुलियां टाइप करेगी ना, वैसे वैसे अंगुलियों की भी याददाश्त होगी। आप लोग ये समझते हो कि सिर्फ दिमाग के पास ही याददाश्त होती है, पर मैंने देखा है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि अंगुलियां इतना याद रखती है जितना शायद आपका दिमाग याद नहीं रखता। तो जिसने इन अंगुलियों को याद करा दिया ना, उसे कई बार दिमाग की क्या नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन अंगुलियों को याद जरूर कराएं, और हर बार जब जब मैं पूछूं तब टाइप जरूर से करें, ठीक। चलो, अब अपन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? अब देखो, ये तो बहुत सिंपल है, ये क्या पूछ रहा है कि आपको जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु जो नदी है उसकी कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल रेंज से निकलती है? तो पीर पंजाल रेंज से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदी है झेलम।
कौन सी है? झेलम। एक बार फिर से सिंधु नदी को हम रिवाइज करते हैं। सिंधु नदी यार कौन से तिब्बत के ग्लेशियर से निकलती है? तो दो नाम थे, एक तो डुंग डांग बजाना था आपको, तो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। अगर आपको चेमा युंग डुंग ग्लेशियर नाम ना दिखे तो आपको क्या करके आना होगा? बोखर चू, चू चा करते हैं ना लोग, तो बोखर चू हिमनद। फिर सिंधु की टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन इंडिया के अंदर कितनी है प्लीज टाइप करो सब, तो 1114 किलोमीटर। ठीक, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दमचौक से प्रवेश करती है। और कौन से भारत के यूटी में बहती है? तो भारत का कौन सा यूटी है? लद्दाख। और लद्दाख में भी कहाँ बहती है? ये लेह और कारगिल में। फिर घुसती है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिस पर किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान ने। वहाँ घुसती है, फिर वहाँ पे एक बुंजी गॉर्ज बनाती है, फिर बुंजी गॉर्ज से आगे जाएंगे आप तो चिल्लाम, पाकिस्तान चिल्लाम जगह है एक, वहाँ से पाकिस्तान में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। शायद आपने कभी सीनिक तौर पर बुंजी गॉर्ज को नहीं देखा होगा। बुंजी गॉर्ज इतना सुंदर बनाया है सिंधु नदी ने, इतना सुंदर, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। वैसे भी आप लद्दाख में जब सिंधु को बहते हुए देखेंगे ना, कभी किसी यूट्यूब के वीडियो पे देखना, बहुत पानी सिंधु का क्या है, क्रिस्टल क्लियर है। और बहुत सुंदर गॉर्ज बनाती है सिंधु, जिसे बोलते हैं हम बुंजी गॉर्ज। कभी टाइप करके देखना बुंजी गॉर्ज का सीन, इतना सुंदर, आपको स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे आप, यूरोप का कोई कंट्री का गॉर्ज भूल जाएंगे आप, आपको वो याद रहेगा। तो ठीक, तो पीर पंजाल रेंज से जो सिंधु की निकलती है वो कौन सी है? झेलम। अब झेलम के बारे में याद रखना, ये निकलती है आपके शेषनाग झील से, या इसको कई बार वेरनाग झील भी लिखती है। ठीक है, शेषनाग या वेरनाग झील से ये निकलती है, फिर ये आगे जाके एक झील और बनाती है जो शायद आपको पता होगा, वूलर झील। कौन सी झील बनाती है? वूलर झील भी बनाती है झेलम। और झेलम रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये शेषनाग झील भी कहाँ है आपके? ध्यान रखना, श्रीनगर में। ठीक, वूलर झील भी कहाँ है आपके? श्रीनगर में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो झेलम रिवर है वो कश्मीर घाटी में है, और कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर इसमें क्या बैठी है, क्या बैठी रहती है? नौकाएं बैठी रहती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम का कितना हिस्सा जो है वो नौगम्य है, जिसमें आप बोट चला सकते हो। तो ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक इलाका है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी होती है। तो ये है अनंतनाग से बारामुल्ला तक। कौन सी जगह? अनंतनाग से बारामुल्ला तक जो आपकी झेलम है वो पूरी तरीके से क्या है? नौगम्य है। मतलब आप वहाँ पे बोट उतार के मस्त क्या कर सकते हो? चला सकते हो। लेकिन ये एरिया जो है बहुत मतलब रिस्की है। इंडियन आर्मी के जवान भी यहाँ पे क्या करते हैं? गश्त करते हैं। घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है यहाँ से। तो ये वो कहते हैं ना, सुंदर चीजें हमेशा खतरनाक होती है। तो झेलम जो रिवर है, सुंदर है, श्रीनगर में बैठ रही है, उतनी खतरनाक भी है। ठीक, तो सब कुछ याद रखोगे? आगे चलू? चलो हाँ, अब देखो कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है? गंगा नदी नौगम्य नहीं है। झूठ बात, एकदम झूठ बात। गंगा नदी नौगम्य है, नौगम्य है गंगा नदी। नदी के जल आयतन में अत्यधिक घटबढ़ होती रहती है। देखो, गंगा नदी के जल आयतन में घटबढ़ हो रहती है, तो सोचो कैसे सोचोगे? तो ऐसे सोचोगे कि जो गंगा नदी है वो ग्लेशियर फेड रिवर है। कैसी रिवर है? ग्लेशियर फेड रिवर है। ग्लेशियर फेड मतलब इसको पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से मिलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है। और जब गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है तब पानी लगातार मिलेगा, लेकिन जब मॉनसून होगा तो मॉनसून का पानी भी आएगा और ग्लेशियर का भी पानी आएगा, तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जब मॉनसून लौट जाएगा तो आयतन फिर से घट जाएगा। क्यों घट जाएगा आयतन? इसलिए घट जाएगा क्योंकि अब मॉनसून नहीं है, तो बारिश का पानी अंदर नहीं आ सकता। तो जो जो कारण है वो क्या है? सही तो है, लेकिन कारण ए की क्या नहीं है? व्याख्या नहीं है, और ए स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो देखो सही आंसर क्या होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। डी क्लियर? आगे चले? चलो, कावेरी नदी किन राज्यों से होके गुजरती है? अपने वो ऐश्वर्या राय वाली पिक्चर देखिए, पोनियन सेल्वम, उसमें कावेरी नदी को दिखाया गया है, और इतना बढ़िया तरीके से डिपिक्ट किया गया है कावेरी नदी को। और उस पर एक पूरा सॉन्ग भी है कावेरी रिवर पे, देखना कभी, टीजर देखना। मैंने तो पूरी पिक्चर देखी है। देखो पोनियन सेल्वन पार्ट फर्स्ट, पोनियन सेल्वन पार्ट सेकंड। ठीक, तो अब देखो कावेरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है?
अब ये जो कावेरी रिवर है ना, इस कावेरी रिवर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, जो मैं इस तरफ आपको बता रही हूँ। अब देखो, सबसे पहले इसका किलोमीटर याद रखो, इसका किलोमीटर कितना है, 800 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स। ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ है आपकी, तो ब्रह्मगिरी हिल्स है आपके कुर्ग कर्नाटक में, वहां से ये निकलेगी, कुर्ग कर्नाटक में। यानी कि कर्नाटक तो जरूर से जरूर होगा ही होगा। कर्नाटक के बाद ये पड़ोस में बहेगी, पड़ोस मतलब कहाँ पे, आपके तमिलनाडु में। और तमिलनाडु और केरल में तो कोई फासला ही नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत कहाँ पे भी बहेगी, आपके केरल में भी। तो कावेरी के बारे में तीन चीजें याद रखनी है। एक क्या याद रखना है कि इसका लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर, पूरा पूरा 800 किलोमीटर। फिर आप मुझे ये बताइए, 851 किलोमीटर किसका है, लंबाई कौन सी नदी का है। फिर बताइए, 724 किलोमीटर किसका है, उसके बाद टाइप कीजिए 114 किलोमीटर किसका है, और उसके बाद टाइप कीजिए 1312 किलोमीटर किसका है। ये सारे के सारे आपको हर वक्त याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए, और मैं पूछ पूछ के करवा दूंगी, ठीक। क्या फर्क पड़ता है, हम ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए, और जितना अभी सिखाया उंगली आंसर देगी उतना बढ़िया होगा। तो सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसका सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र कई बार सिंगल क्वेश्चन आता है, किसमें है, कर्नाटक में, और इसका सबसे कम प्रवाह क्षेत्र किसमें है, केरल में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो बहुत सिंपल है, अरावली से कौन निकलती है, तो अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है, लूणी, इजी क्वेश्चन। फिर अगला, हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको भौगोलिक परिचय में एक दिन जलोढ़ शंकु और आंतरिक शंकु समझाए थे, और स्पेशली बताया था कि वो कौन सी हिमालयन रिवर है जो कभी भी क्या नहीं बनाती, जलोढ़ शंकु नहीं बनाती, तो वो कौन सी हिमालयन रिवर है, वो है घाघरा। और ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, तो आप लोगों को क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। चूंकि मैं पहले समझा चुकी हूँ कि जलोढ़ शंकु और आंतरिक शंकु क्या होते हैं, कौन सी नदियां उसे बनाती है और कौन सी नदी उसे नहीं बनाती, उस समय मैंने आपको याद दिलाया था, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया है। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अभी अभी हम इतनी बार देख लिए हैं कि कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो बहुत सिंपल है, ताप्ती और नर्मदा। क्या ताप्ती और नर्मदा के अलावा भी कोई एक रिवर है जो भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल है, वो नदी कौन सी है, दामोदर। दामोदर रिवर है ना, दामोदर नदी, उस वो भी कहाँ बहती है, आपके भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्लियर। चलो अच्छा, तो आज के 20 क्वेश्चन नदियों के पूरे हुए, और नदियों में मैंने आपको बताया कि कुछ समझने का नहीं होता, थोड़ी थोड़ी चीजें समझने की होती है, जैसे अपवाह तंत्र क्या होता है, या जल द्रोणी क्या होती है, अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं, वो सारा का सारा मैं थ्योरी में कराऊंगी। मेजर नदियों के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन हर वक्त क्या रखनी होगी, याद रखनी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन बार बार याद नहीं करोगे तो नदियों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो बार बार सॉरी अच्छे से क्लास देखना, क्लास को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।